अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ निनवा गोश्त की रेसिपी शेयर करेंगे। ये बहुत ही हेल्दी और टेस्टी रेसिपी है और बहुत ही कम सामान के साथ तैयार हो जाती है। आइए देखते हैं इसको बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। निनवा गोश्त बनाने के लिए हमें चाहिए 3 बड़े चम्मच तेल, कुछ खड़े गरम मसाले जिनमें 2 तेज़पत्ता, 1 दालचीनी की छोटी स्टिक और 1 बड़ी इलायची, 2 बड़ी प्याज स्लाइस कटी हुई, 2 बड़े टमाटर कटे हुए, 1/4 किलो निनवा रफली कटे हुए, चिकन 1/2 किलो से थोड़ा कम है, 1 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। आइए चलिए निनवा गोश्त बनाना शुरू करते हैं। कुकर में हमने 3 बड़े चम्मच तेल डाल दिए हैं। तेल हमारा गर्म हो चुका है तो अब हम इसमें गर्म मसाले ऐड करेंगे। तेज पत्ता, दालचीनी और बड़ी इलायची। गरम मसाला डालने के बाद अब हम इसमें प्याज डालेंगे। यहाँ हमने 2 बड़ी प्याज का इस्तेमाल किया है। प्याज को हम सुनहरा होने तक भूनेंगे। इसे बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है इसलिए हम चलाते हुए भूनेंगे। हमारी प्याज सुनहरी हो चुकी है, बस इतना ही चाहिए। अब हम इसमें चिकन ऐड करेंगे। चिकन को अब हम 1 मिनट के लिए भूनेंगे। एक मिनट हो गया है। अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अदरक लहसुन मिक्स हो गया है। अब हम इसमें सूखे मसाले ऐड करेंगे। धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, और नमक। इनको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ सूखे मसालों को मिलाने के लिए भी हमने पानी का इस्तेमाल नहीं किया है कि जो चिकन का पानी निकलेगा उसी में ये मिक्स हो जाएंगे। चिकन हमारा मसालों के साथ अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे। इसे भी अच्छे से मिला लेंगे। अब हम निनवा ऐड करेंगे।
यहाँ हमने 1.25 किलो निनवा इस्तेमाल किया है। निनवा अच्छे से मिक्स हो चुका है, हम इसमें पानी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे। निनवे से जो पानी निकलेगा गोश्त उसी में पक जाएगा। अब हम इसे ढक्कन लगा देंगे और 3 सीटी आने तक पकने देंगे। फ्लेम हम मीडियम हाई रखेंगे। तीन सीटी हो चुकी है, कुकर जब तक खुद ठंडा ना हो जाए उसे नहीं खोलेंगे। कुकर ठंडा हो चुका है, अब हम इसे खोलते हैं। दिखने में बहुत अच्छा लग रहा है। निनवा हमारा गल चुका है, चिकन चेक कर लेते हैं। चिकन बहुत आसानी के साथ टूट रहा है, हमारा चिकन भी तैयार है। अब हमें इसे भूनना है, इसके पानी को सुखाना है। हम इसे तब तक भूनेंगे जब तक इसका पानी सूख ना जाए और तेल ना छोड़ दे। ढक्कन लगा देंगे। निनवा गोश्त हमारा भुन चुका है, इसे भुनने में हमें 20 से 25 मिनट लगे हैं। 10 से 12 मिनट हमने इसे हाई फ्लेम पे भुना है, उसके बाद हमने फ्लेम स्लो कर दिया था, इसे हमने बीच में चलाते हुए भुना है। अब हम इसमें गरम मसाला ऐड करेंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। हमारा मसाला बहुत अच्छे से भून के तैयार है। अब हम इसमें 2 छोटे चम्मच देसी घी ऐड करेंगे, इससे इसका टेस्ट और भी बढ़ जाएगा। निनवा गोश्त हमारा बन के तैयार हो चुका है, अब हम इसे डिश आउट करके दिखाते हैं। हमारा निनवा गोश्त तैयार है। ये बहुत टेस्टी और हेल्दी रेसिपी है, इसे आप ज़रूर ट्राई करें। यह आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। मेरी ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।